सो अभी रिसेंटली Realme Buds T300 के ऊपर एक रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, साथ ही Boat AirDrop Flex 4.5 और ANC को भी रिव्यू किया था, तो आपने इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में बहुत सारे कमेंट्स किए थे। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे, इनके एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा, साथ ही सभी फीचर्स को भी डिटेल में चेक करेंगे। वैसे Boat 4.5 ANC के प्राइस 2000 रुपीज है और Realme Buds T300 2300 रुपए के आते हैं, लगभग दोनों में 300 रुपए का डिफरेंस है। तो क्या 300 रुपए एक्स्ट्रा पे करना Realme T300 के लिए सही है या फिर 2000 रुपए में बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फीचर्स ऑफर करते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। ऑलरेडी मैंने दोनों को ही रिव्यू किया है, तो डिटेल में इनके बारे में जानने के लिए उन वीडियोस को भी देख सकते हो। यहाँ पर सबसे कॉम्पैक्ट और लाइट वेट डिजाइन Realme Buds T300 का है। Boat 4.5 ANC थोड़े बल्की और हेवी फील होते हैं। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी भी मुझे Realme की थोड़ी बेटर लगी एज कम्पेयर टू Boat 4.5 ANC। अगर बात करें ईयरबड्स की, तो दोनों ही फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स हैं। फिटिंग और कंफर्ट के मामले में Realme T300 Boat से काफी बेस्ट है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी मुझे दोनों की ही अच्छी लगी, लेकिन Realme Buds T300 IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं। वही Boat में आपको IPX4 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, तो IP रेटिंग के मामले में Realme T300 क्लियरली विनर है। देखो, लुक्स और डिजाइन को अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन पर्सनली Realme की बिल्ड क्वालिटी मुझे Boat से काफी बेस्ट लगी। सो ओवरऑल इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के लिए Boat को मैं दूंगा 4 out of 5 star और Realme को दूंगा 4.5 out of 5 star। अभी जल्दी से एक बार दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो Realme Buds T300 आते हैं 12.4mm का डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SDC ऑडियो कोडेक, डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, Realme Link ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 30 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस असिस्टेंट, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 50 ms की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 hours का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 hours की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा Boat AirDrop 4.5 ANC आते हैं 10mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, गूगल फास्ट पेयर, डुअल पेयरिंग, इन ईयर डिटेक्शन, Boat हेयरेबल एप्लीकेशन का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, ENX टेक्नोलॉजी फॉर कॉलिंग, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 32 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट टॉक, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 60 ms की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 4 आवर्स का प्लेबैक टाइम, सिंगल चार्ज में ईयरबड्स में 12 आवर्स की बैटरी बैकअप और केस के साथ 48 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो देखो, स्पेसिफिकेशन के मामले में नो डाउट Boat Realme से काफी आगे है और फिलहाल अंडर 2000 रुपीज में सबसे बेस्ट फीचर्स वाले TWS भी यही है। इनमें आपको इन ईयर डिटेक्शन, गूगल फास्ट पेयर और ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग जैसे तगड़े फीचर्स मिलते हैं जो इस प्राइस में एक साथ मिलना काफी मुश्किल है। ये फीचर्स आपको Realme Buds T300 में नहीं मिलेंगे, लेकिन दोनों में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिलता है। सो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए Boat को मैं दूंगा 5 out of 5 star और Realme को दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन सपोर्ट की। सो दोनों की रिव्यू वीडियोस में इनके एप्लीकेशन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उन वीडियोस को आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी दोनों के एप्लीकेशन में जो मेन डिफरेंस है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो Boat में आपको इन ईयर डिटेक्शन, ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग, स्मार्ट टॉक जैसे फीचर्स मिलेंगे जो Realme के एप्लीकेशन में आपको नहीं मिलते, लेकिन Realme के एप्लीकेशन में आपको इक्वलाइजर मोड और कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपने हिसाब से ऑडियो आउटपुट को ले सकते हो, जो Boat के एप्लीकेशन में आपको नहीं मिलता। इसके अलावा बाकी सभी फीचर्स आपको दोनों में लगभग सेम मिलेंगे। सो दोनों की एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते हैं इनके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो Realme T300 में 50 ms और Boat में 60 ms की लेटेंसी को क्लेम किया गया है, तो देखते हैं एक्चुअल में दोनों की लेटेंसी में कितना डिफरेंस है। देखो, गेमिंग के मामले में Realme Buds T300 ज्यादा बेटर है। इसमें आपको लेटेंसी काफी कम मिलेगी, सो थोड़ी बहुत प्रो लेवल की गेमिंग भी आप करते हो तो इनके साथ जा सकते हो, लेकिन Boat को मैं आपको प्रोफेशनल गेमिंग के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, कैजुअल गेमिंग के लिए सही रहेंगे। सो ओवरऑल गेमिंग के लिए Boat को दूंगा 4 out of 5 star और Realme को दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं दोनों की माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। तो सबसे पहले दोनों की माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। आप ही जो आवाज आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम आउटडोर में हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की साउंड क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी।
तो ये कॉलिंग टेस्ट है इंडोर कंडीशन में रियलमी बड्स T300 के माइक्रोफोन की, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो दोनों में आपको क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप मिलता है, लेकिन माइक क्वालिटी में रियलमी थोड़े से बेटर है। वैसे बोट निर्वाणा आयन को भी मैंने रिव्यू किया है, उसके कंपैरिजन में भी बोट 454 ANC की माइक क्वालिटी भी थोड़ी एवरेज है, लेकिन ठीक ठाक लेवल की कॉलिंग आप इसमें कर सकते हो। लेकिन कॉलिंग के लिए मैं आपको रियलमी बड्स T300 को ही सजेस्ट करूंगा। अब जल्दी से दोनों के एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को भी टेस्ट करते हैं। एंबिएंट मोड, ANC मोड, Speak through mode. ANC mode. दोनों की एक्टिव नॉइस कैंसलेशन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही परफॉर्मेंस आपको दोनों में देखने को मिलता है। तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के लिए आप इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। सो ओवरऑल कॉलिंग और ANC के लिए बोट को मैं दूंगा 4 out of 5 star और रियलमी को दूंगा 4.5 out of 5 star बिकॉज ऑफ माइक क्वालिटी। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी, वोकल्स और बेस की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इनकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इनके वोकल्स को टेस्ट करते हैं, उसके बाद बेस को। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। The universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. Like the girls with their nails done. दोनों की ऑडियो को आपने सुन लिया है, जितना मैंने इन दोनों को यूज किया है, पर्सनली मुझे वोकल्स की क्वालिटी रियलमी बड्स T300 की थोड़ी सी बेटर लगी। क्लियरिटी भी आपको रियलमी में ज्यादा मिलेगी, साथ ही इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी रियलमी बड्स T300 का बढ़िया है एज कम्पेयर टू बोट 454 ANC। लेकिन बेस आपको बोट में ज्यादा मिलेगा। वैसे रियलमी T300 भी एक बेस बूस्टेड TWS है, बट उनसे ज्यादा बेस आपको बोट में मिलता है, लेकिन ओवरऑल बेस की क्वालिटी रियलमी बड्स T300 की बेटर है। अगर आप थोड़ी बहुत क्लियरिटी के साथ अच्छा बेस चाहते हो तो रियलमी बड्स T300 आपके लिए सही रहेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ भर भर के बेस अच्छा लगता है तो बोट के साथ जाना सही रहेगा। सो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी के लिए बोट को मैं दूंगा 4 out of 5 star और रियलमी को दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखो Realme Buds T300 की प्राइस 2300 रुपए है, जो सेल में आपको 2000 रुपए तक भी मिल सकते हैं, और बोट की प्राइस 2000 रुपए है और इन्हें भी सेल में 1800-1900 तक परचेस कर सकते हो। देखो फीचर्स के मामले में नो डाउट बोट 454 ANC Realme T300 से काफी बेस्ट है, प्राइस भी 300 रुपए कम है और बैटरी बैकअप भी आपको Realme Buds T300 से थोड़ी ज्यादा मिलेगी। सो अगर आपका बजट कम है और हेवी बेस वाला म्यूजिक पसंद है तो बोट के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत वोकल्स की क्लियरिटी और बेस भी अच्छा खासा चाहते हो तो मैं आपको Realme T300 को ही सजेस्ट करूंगा। कॉलिंग, गेमिंग और बिल्ड क्वालिटी Realme Buds T300 की बेस्ट है, प्लस कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है, तो ऑडियो को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। वैसे इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।